जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक क्लॉक, क्लॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, घड़ी के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन चाहे कोई भी, सिर्फ बैंक को छोड़कर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वो पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, ग्राम सेवक हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल, अभी एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम ले लो, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीजें बात करेंगे, बेसिक चीजें क्या क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? चार टाइप के। ठीक है, कौन कौन से? पहला है इमेज। ठीक है, इमेज से संबंधित प्रश्न। दूसरा है एंगल, दूसरा है एंगल। तीसरा है टाइम, तीसरा है टाइम। और चौथा है, फोर्थ है एरर, फोर्थ है हमारा एरर। ठीक है, तो इमेज अलग अलग डिस्कस करते हैं, अलग अलग मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से टाइप के इनमें क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इमेज है, इमेज में वो जैसे कोई घड़ी है उसमें 9 बज रहे हैं, 12, 3, 6, 9, तो वो बोलेगा कि मिरर में देखने पर हमें क्या समय दिखाई देगा। जब हम इसे मिरर में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा, एक तो ये होता है। ठीक है, फिर है हमारा दूसरा एंगल। एंगल देखो, कोई टाइम दे दिया, जैसे एक घड़ी है, घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, एक घड़ी है, घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, तो वो बोलेगा अभी कितने डिग्री का कौन बन रहा है, कितने डिग्री का यहां पर कौन बन रहा है। ठीक है, फिर टाइम, टाइम देखो इसके अपोजिट है, जो एंगल वाला है ना उसके अपोजिट क्या है, टाइम वाला है। कैसे? यहां पे हमें टाइम दे के एंगल पूछ लेगा, अगर इसका रिवर्स बोले तो एंगल दे के हमें टाइम पूछेगा। ठीक है, जैसे यहां पे उसने बोल दिया कुछ भी, मान लो जैसे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पे। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप बताओ कि क्या टाइम हुआ है, 6 या 7 बजे या 8 या 9 बजे, कुछ भी टाइम देके, ये एंगल देके हमारे से टाइम पूछ लेगा। ये इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। और एरर है, एरर में कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एरर में क्वेश्चन बनते हैं स्लो फास्ट के, स्लो या फास्ट के। वो बोलेगा एक घड़ी है, वो 1 घंटे में 10 मिनट या 5 मिनट तेज हो जाती है, और जो दूसरी घड़ी है वो धीमी हो जाती है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो बोलेगा अभी सही समय कब प्रदर्शित करेगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसमें, एरर के अंदर, घड़ी का खराब होना से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आएंगे एरर के अंदर। ठीक है, तो कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? सर चार टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? पहला बनेगा इमेज वाला, ठीक है, इमेज। दूसरा बनेगा एंगल, तीसरा बनेगा टाइम, समय वाला। ठीक है, एंगल और टाइम जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद एरर है, एरर में आएगा घड़ी का तेज चलना या घड़ी का धीमा चलना। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट है हमारा इमेज। इमेज में दो केस बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इमेज। इमेज वाले में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से? एक तो आता है हमारा मिरर इमेज, और एक आता है
वाटर इमेज, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इमेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना, दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना, ठीक है। जैसे एक घड़ी है, उसमें 9 बज रहे हैं, ठीक है, एक घड़ी है जिसमें 9 बज रहे हैं, तो इसे हम मिरर इमेज में देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, तो हमें क्या समय दिखाई देगा, क्या समय दिखाई देगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको वर्टिकल काट देना है बीच में से, ठीक है, बीच में से वर्टिकल काटेंगे, तो हम इसे देखेंगे तो जो ऊपर नीचे है ना टॉप और जो बॉटम है, ऊपर नीचे है वो मिरर के अंदर कभी भी चेंज नहीं होता है, चेंज कौन सा होगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट चेंज होगा। एक चीज ध्यान रख लेना, एक चीज ध्यान रखना, जो टाइम है ना, जो 12:01 ये लिखा है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, जैसे यहां पे हम इसका इमेज बनाते हैं, इसका इमेज बनाएंगे, तो ये वाली सुई है, ये वाली तो चली जाएगी उधर, ठीक है, और जो ऊपर है 12 पे वो 12 पे ही रहेगी, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा सर, 3 बज जाएंगे, कितने बजेंगे, 3 बज जाएंगे, लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नंबर है वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए हैं, नंबर कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब नंबर यहां पे 3 आना चाहिए था, देखो इसको आप मिरर में देखोगे तो 3 तो यहां पे दिखाई देगा, लेकिन ये 3, 4, 5, 1, 2 ये लिख रखा है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आपने जो घड़ी माननी है और जो एग्जाम के अंदर घड़ी मानते हैं, जो एग्जाम में जो एग्जामिनर घड़ी मानता है वो नंबरिंग वाली नहीं मानता है, वो डॉट वाली मानता है, ऐसे डॉट होते हैं, ठीक है, वो डॉट है, आप डॉट को चाहे मिरर में देख लो या फिर वाटर में देख लो, वो डॉट के डॉट ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। देखो अगर हम 1, 2, 3, 4 लिखते हैं तो 3 यहां पे आ जाएगा, तो मिरर में भी क्या समय दिखाई देगा, यहां पे 9 था, 9 इधर हो जाएगा, तो 9 दिखाई देना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा, 3 आएगा, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसके लिए हमें डॉट मानना है, नंबरिंग कभी नहीं माननी है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बोलता हूं कि 10 बज रहे हैं, तो जब 10 बजेंगे तो समय क्या दिखाई देगा, 2 बजे का दिखाई देगा, ठीक है, मिरर के अंदर। अगर मैं बोलूं 11 बज रहे हैं, तो 11 बज रहे हैं तो मिरर में क्या समय दिखाई देगा, 1 बजे का समय दिखाई देगा, ठीक है। जब 9 बज रहे हैं तो समय क्या दिखाई देगा, 3 बजे का। जब 8 बज रहे हैं तब समय क्या दिखाई देगा, 4 बजे का। जब 7 बज रहे हैं तब समय क्या दिखाई देगा, 5 बजे का। और जब 6 बज रहे हैं तो 6 बजे का, तो 6 बजे ही दिखाई देगा, क्योंकि मैंने बताया अभी टॉप बॉटम है वो 9 चेंज होते हैं। जैसे यहां पे 6 बज रहे हैं तो ये सुई तो ऐसे ही रहेगी और ये ऊपर वाली ऊपर ही रहेगी, टॉप बॉटम है ना, ऊपर और नीचे 9 चेंज होता है मिरर में, लेफ्ट राइट चेंज होता है मिरर में, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आया, इससे हमें समझ में आया, बेसिक चीज चल रही है ये, ध्यान रखना, ये बेसिक करवा रहा हूं मैं। जब जब 9 बजेंगे तो मिरर में क्या समय दिखाई देगा सर, 3 बजे का समय दिखाई देगा। जब 10 बजेंगे तो मिरर में समय क्या दिखाई देगा सर, 2 बजे का समय दिखाई देगा। जब 11 बजेंगे तो मिरर में समय क्या दिखाई देगा, 1 बजे का। जब 12 बजेंगे
तो समय 12 बजे का ये दिखाई देगा, या फिर इसको जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर जब 7 बजेंगे तो समय क्या दिखाई देगा, 5 बजे का। जब 8 बजेंगे तब समय क्या दिखाई देगा, 4 बजे का, ठीक है। और जब 6 बजेंगे तो समय क्या दिखाई देगा, 6 बजे का ही समय दिखाई देगा। अब देखो 9 बजेंगे तब 3 बजे का समय दिखाई देगा, और जब 3 बजेंगे तो 9 बजे का समय दिखाई देगा। जैसे 10 बजेंगे तो 2 बजे का समय दिखाई देगा, और जब 2 बजेंगे तो 10 बजे का समय दिखाई देगा। तो ऐसा हम एग्जाम में कर नहीं सकते, ठीक है। ये बेसिक चीज मैंने आप सभी को समझाई है। ऐसे एग्जाम में जैसे उसने टाइम दे दिया 3:48, तो हम इमेजिनेशन कर नहीं सकते। जल्दी से जल्दी इमेजिनेशन कर तो लेंगे, लेकिन वो जल्दी से जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एग्जाम में चंद ही सेकंडों में क्वेश्चन से बाहर निकलना होता है, ठीक है। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, आप बोलोगे सर शॉर्ट ट्रिक बताओ, इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो शॉर्ट ट्रिक देखो क्या होगी, जब 9 बजेंगे तब 3 बजे, और जब 3 बजेंगे तो 9 बजे, तो दोनों का योग कितना आया, 12। यहां पे भी योग कितना आया, 12। यहां पे भी योग कितना आया, 12। यहां पे भी योग कितना आया, 12। यहां पे आपने 12 और 12, 24 नहीं लिखना है। जब 12 बजेंगे तो 0 बजे, और 0 को ही 12 बजे बोलते हैं, ठीक है। यहां पे 12, यहां पर भी 12, और यहां पर भी 12। तो देखो योग सब में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। योग सब में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जैसे समय लेते हैं हम, जैसे समय लिया कि 2:45 को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो अब ऐसे तो है नहीं भी हम ऐसे सुई बनाएंगे और ये 2 पे लेके जाएंगे, फिर 45 है तो यहां पे लेके आएंगे, ऐसे फिर इमेजिनेशन करेंगे, ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना है मिरर इमेज। मिरर इमेज में जब कभी वो क्वेश्चन पूछे तो हमें 12 बजे में से घटा देना है। दिए हुए समय को किस में से घटाएंगे, 12 में से घटा देंगे, किस में से, 12 में से। और 12 को हम क्या बोल सकते हैं सर, 12 को हम 11:60 भी बोल सकते हैं। 11:60 को हम क्या बोल सकते हैं, 12 बजे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने दिया 2:45, तो 2:45 को आप घटाओ 11:60 में से, 2:45, तो यहां पे कितना बच गया, 15, और यहां पे कितना बच गया, 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9:15, 9:15 दिखाई देगा हमें दर्पण में। अब वो चाहे दर्पण में दे दे, या फिर दे दे वो सीधा घड़ी देख के दर्पण में पूछ ले, या दर्पण में देख के सीधा टाइम पूछ ले, ओरिजिनल टाइम देके हमें दर्पण मिरर इमेज में पूछ ले, या फिर मिरर इमेज में देके हमें ओरिजिनल टाइम पूछ ले, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ 12 मतलब 11:60 में से ही घटाना है, हमें हमेशा ही 11:60 में से घटाना है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिया 15:36, 9:40, 8:12, 18 सोल्व करके देखते हैं। तो हमें टाइम दिया है 15:36, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 3:36, और इन्हें इन सभी समय को हमें देखना है मिरर इमेज में, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में। तो इसको हम किस में से घटाएंगे, 11:60 में से, 12 बजे में से घटा देंगे 11:60 में से, कितना, 3:36। तो यहां पे 60 में से 36 गया, कितना बच गया, 24, और यहां पे कितना बच गया, 8। तो जब हम 3:36 को हम 3:36 को हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा, 8:24। फिर देखते हैं 9:40 है, तो 11:60 में से घटाएंगे 9:40, तो यहां पे बच गया 20, और यहां पे बच गया 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2:20 का समय दिखाई देगा। फिर देखते हैं 8:12, तो इसको भी हम 11:60 में से घटाएंगे
12 मिनट, तो 60 में से 12 गया 48 और 11 में से 8 गया 3, तो हमें क्या समय दिखाई देगा? सर हमें 3:48 का समय दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट लेते हैं 18:30, तो 18 बजे को हमें क्या बोल सकते हैं? 6 बजे बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? 6:30। कितने में से घटाएंगे? 18:60 में से घटाएंगे, सॉरी 11:60 में से घटाएंगे, तो 11:60 में से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 30 और यहाँ पे कितना आ गया 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5:30। 5:30। अब इसका रिवर्स दे दे चाहे वो ये बोल दे कि एक घड़ी है उसमें दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर 3:36 का समय दिखाई देता है, तो ओरिजिनल समय क्या हो रहा है? तो फिर भी हमें क्या करना है? 11:60 में से ही घटा देना है, चाहे वो रिवर्स दे दे और हमें सीधा पूछ ले या फिर सीधा दे के उल्टा पूछ ले। हमें याद रखना है हमेशा ही 11:60 में से घटा देना है। कितने में से? 11:60 में से घटा देना है। जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। इमेज के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो था दर्पण प्रतिबिंब और एक होगा जल प्रतिबिंब। ठीक है, वाटर इमेज, वाटर इमेज। अब देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे कोई घड़ी है 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है, और उस घड़ी में घंटे वाली सुई अगर 9 पे है, तो जब हम इसे जल प्रतिबिंब में देखेंगे, तो घंटे वाली सुई हमें 9:09 पे ही दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि जल प्रतिबिंब में हम घड़ी को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काटेंगे, बीच में से हॉरिजॉन्टल काटेंगे, ठीक है ना, उसमें तो हम वर्टिकल काट रहे थे, इसमें हॉरिजॉन्टल काटेंगे, तो इसमें 3 जो 9 पे सुई है, 9 पे सुई है घंटे वाली, वो 9 पे दिखाई देगी और जो 3 पे है वो 3 पे ही दिखाई देगी। लेकिन जो 10 पे घंटे वाली सुई है वो जल प्रतिबिंब में हमें 8 पे दिखाई देगी, अगर कोई सुई घंटे वाली 11 पे है तो वो हमें 7 पे दिखाई देगी, अगर वो 12 पे है तो हमें 6 पे दिखाई देगी, अगर वो 1 पे है तो हमें 5 पे दिखाई देगी, और अगर वो 4 पे है तो हमें वो 2 पे दिखाई देगी, मतलब 2 पे है जो 4 पे दिखाई देगी। ठीक है, तो एक वाली सुई है वो कहां पे दिखाई देगी? सर 5 पे दिखाई देगी, 2 वाली 4 पे, 3 वाली 3 पे ही दिखाई देगी। ठीक है, ये एक्सचेंज होता है इसके अंदर। अब देखो उसमें तो योग सभी का 12 आ रहा था, लेकिन इसमें 12 नहीं आ रहा, यहां पे 18 हो रहा है, यहां पे 18 हो रहा है, यहां पे भी 18 हो रहा है, और यहां पर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, यहां पे 6 हो रहा है, यहां पे अलग हो रहा है ना, सभी का योग सेम तो नहीं आ रहा, उसमें तो किसी भी संख्या का योग जोड़ रहे थे तो हम सेम आ रहा था। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लिया घंटे वाली सुई तो है 1 और 2 के बीच में, और जो मिनट वाली सुई है वो 6 पे, मतलब एक घड़ी है उसमें 1:30 का समय है, एक घड़ी है जिसमें समय क्या है 1:30। अब हम इसे जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो देखो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, ये हो गया हमारे पास 7, 8, 10, 11। देखो यहां पे जब 6 पे कोई सुई थी वो कहां पे दिखाई दे रही थी? 12 पे।
देखो यहां पे 6 पे है तो वो कहां पे दिखाई देगी हमें प्रतिबिंब में, 12 पे दिखाई देगी। तो वैसे ही जब ये सुई 6 पे है तो ये वाली सुई मिनट वाली हमें कहां पे दिखाई देगी सर, 12 पे दिखाई देगी। मिनट वाली सुई कहां पे दिखाई देगी, 12 पे दिखाई देगी। अब देखो अगर कोई सुई 12 पे है तो वो कहां पे दिखाई देगी, 6 पे, ठीक है। अगर 6 पे है तो 12 पे, लेकिन अगर कोई सुई 1 पे है तो हमें कहां पे दिखाई देगी, 5 पे दिखाई देगी। देखो जब कोई सुई 1 पे थी तो हमें कहां पे दिखाई दे रही थी, 5 पे दिखाई दे रही थी। अब देखो यहां पे सुई 1 और 2 के बीच में है, जब कोई सुई 2 पे होगी तो हमें कहां पे दिखाई देगी सर, 4 पे दिखाई देगी। जब घंटे या मिनट की सुई 1 और 2 के बीच में है तो वो कहां पे दिखाई देगी, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। तो जो सुई है घंटे वाली वो हमें यहां पे दिखाई देगी, ठीक है, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। लेकिन लेकिन अब हम अंशुर क्या लगाएंगे इसके अंदर, अंशुर क्या लगाएंगे, मतलब ये हो गया कि देखो जब घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होती है, जब घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होती है तब मिनट वाली सुई कभी 12 पे नहीं हो सकती, या हो सकती है, चेक करो हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। ये जो जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन है, वाटर इमेज वाले जो क्वेश्चन है, उनका फिक्स आंसर कभी भी नहीं आता, फिक्स आंसर कभी भी नहीं आता। इनका आंसर आता है अप्रोक्सीमेट, इनका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, लगभग आंसर आएगा। अब हमें ऑप्शन में 4 भी दे सकता है और 5 भी दे सकता है, तो हमारा आंसर 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। एक चीज देखो इसके अंदर, देखो पहले तो दोबारा ये चीज बता देता हूं कि जब घंटे की घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होगी, 4.5 मतलब 4.5 होगा, तो मिनट वाली सुई 6 पे आनी पड़ेगी, लेकिन यहां पे कहां पे है सुई मिनट वाली सर, 12 पे है, तो ये गलत हो गया ना। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, अब अगर आप देखोगे, अब अगर आप समय देखोगे तो आपको क्या समय दिखाई दे रहा है, अब क्या समय दिखाई दे रहा है सर, 5 बजे दिखाई दे रहे हैं। कितना समय दिखाई दे रहे हैं, 5 बजे। तो जो इसका आंसर है वो कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 5 बजे आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 5 बजे। ये डिपेंड ऑप्शन पे भी करेगा, डिपेंड ऑप्शन पे भी करेगा, जैसे 5, 6, 7, 8 ये हमें ऑप्शन दे दिए तो हम क्या ऑप्शन सही लगाएंगे, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सर, 5 पे क्लिक करेंगे। अगर हमें ऑप्शन दे दिया 1, 2, 3, 4 मतलब 1:30 को जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, अब इसमें 5 नहीं दिया, फिर हम क्या टिक करेंगे, 4 टिक करेंगे, लेकिन 1, 3, 4, 5 4 और 5 हमें दोनों ही दे दिए, 4 भी दे दिया और 5 भी दे दिया, तब हम कौन सा टिक करेंगे, 5 टिक करेंगे, तब हम कौन सा टिक करेंगे, 5 बजे टिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन है इनका आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेट में आता है। अब आपके मन में डाउट होगा सर अप्रोक्सीमेट में आएगा तो हम कैसे पता करेंगे, कल को मिनटों में क्वेश्चन आ गया फिर, तो उसकी भी एक ट्रिक है, उसकी भी एक ट्रिक है। मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आपका कि जो जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा अप्रोक्सीमेट में आंसर आते हैं, कभी उनका फिक्स आंसर नहीं होता है, ठीक है, फिक्स आंसर उनका नहीं हो सकता कभी भी। देखो मैंने उदाहरण दे के आपको समझा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, जैसे इसी को ही लेते हैं हम, 1:30 को लेते हैं, तो 1:30 पर जल प्रतिबिंब में घड़ी को देखने पर क्या समय दिखाई देगा, तो ध्यान रखना हमेशा जल प्रतिबिंब में, वाटर इमेज में दिए गए समय को हम हमेशा ही 18:30 में से घटा देते हैं, कितने में से, 18:30 में से, कितना, 1:30 घटाएंगे तो 30 में से 30 गया 0, यहां पे हो गया 17, और 17 बजे को हम क्या बोल सकते हैं, 17 बजे को हम सर 5 बजे बोल सकते हैं, तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 बजे आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 बजे आ गया, लेकिन फिक्स आंसर नहीं होता है इसका, ठीक है ना। ये एक ट्रिक बताई है, अब जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपने कितने में से घटाना है, कितने में से घटाना है सर, 18:30 में से घटा देंगे हम, हमारा आंसर हमें
मिल जाएगा। ठीक है, अब हम 5-4 क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया कि 8:16, ठीक है, हम वाटर इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिया 2:40, 9:36, 7:18, ठीक है। ये 4 हमने क्वेश्चन लिए हैं, ये पहला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 8:16 को आप जब जल प्रतिबिंब में देखोगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा, तो इसको हम किस में से घटा देंगे सर, 18:30 में से घटा देंगे 8:16, तो 30 में से 16 गया 14 और 18 में से 8 गया 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10:14। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, अब कई स्टूडेंट के मन में ही होगा सर 10:14 आंसर आ रहा है, वो एएम आ रहा है या पीएम आ रहा है, अगर ये हमें पीएम दे रखा है तो यहां पे हम आंसर एएम लगाएंगे क्या, ऐसा कभी घड़ी में नहीं होता है, ठीक है ना। देखो जब आप किसी घड़ी को दर्पण में देखोगे और दिन में देखोगे तो क्या आपको दर्पण में जो दिखाई देगा वहां पे वो रात दिखाई देगी क्या, कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। दिन और रात कभी इस चैप्टर के अंदर नहीं होता है, तो एएम पीएम है कभी भी हमें क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। अगर एएम दे रखा है तो हम एएम ही आंसर लगाएंगे, अगर पीएम दे रखा है तो हम पीएम ही लगाएंगे, बाकी पहली बात तो मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है, एएम पीएम नहीं मिलता है। अब देखो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, 2:40 को आप जब जल प्रतिबिंब में देखोगे तो आप जल में देखने पर जल प्रतिबिंब में आपको क्या समय दिखाई देगा, तो हम इसे कितने में से घटाएंगे सर, 18:30 में से घटाएंगे, कितने में से, 18:30 में से, लेकिन ये 40 मिनट है ना ये 30 से क्या है ज्यादा है, 40 मिनट है वो क्या है 30 से ज्यादा है, फिर हम क्या करेंगे इस 30 मिनट को हम ज्यादा बनाने के लिए ना एक घंटा है ना एक घंटा इसको दे देंगे, एक घंटा इसको दे देंगे, तो हम क्या बोलेंगे 17:90। अब देखो क्या होता है, जब मिनट है 30 से अधिक होती है, जब दी गई मिनट 30 से अधिक होती है तो हमेशा ध्यान रखना दिए गए समय को हम 17:90 में से घटाएंगे, कितने में से 17:90 में से, तो 2:40 घटा दो आप, यहां पे तो आ गया 50 और यहां पे आ गया 15 और 15:50 को हम क्या बोलते हैं 3:50, तो 2:40 है उसको जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा 3:50। नेक्स्ट देखो 3:36 टाइम है जो मिनट वाला वो 30 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल सर ज्यादा है, और जब ज्यादा होगा तो हम उसे कितने में से घटाएंगे 17:90 में से घटा देंगे 9:36, तो यहां पे तो हो गया हमारे पास 54 और यहां पे बच गया हमारे पास 8, तो हमें क्या समय दिखाई देगा 8:54। नेक्स्ट लेते हैं 7:18 को जब हम जल में देखेंगे तो जल प्रतिबिंब में हमें क्या समय दिखाई देगा, तो जो मिनट है वो 30 से ज्यादा है या कम है सर 30 से कम है, जब 30 से कम है तो हम उसे कितने में से घटाएंगे 18:30 में से, कितना 7:18, तो यहाँ पे तो आ गया 12 और यहाँ पे बच गया 11, तो हमारा आंसर आ गया 11:12 दिखाई देगा जब हम 7:18 को जल प्रतिबिंब में देखते हैं तब, ठीक है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट टाइप और मैं करवाता हूं, ठीक है, वो भी ध्यान से समझना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया हमें 7:40 / 4:11 को जब आप
दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा, क्या समय दिखाई देगा। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन हो गया है। 7:46 ही 4/11 को जब आप दर्पण में देखोगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा। अब देखो इसको लिखेंगे हम 7:46 + 4/11। देखो जो क्लॉक चैप्टर है, घड़ी है, वो मैथ्स का पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन होती है, इसमें भी कैलकुलेशन होती है। तो ये हो गया हमारे पास 7:46 + 4/11 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 7:01 पढ़ा रहने देते हैं यहीं पे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम 11 आ गया। इसका इससे गुणा करेंगे कितना हो गया, 506 + कितना हो गया 4, तो ये हो गया हमारे पास 510/11 मिनट। अब 510/11 मिनट है, ठीक है। अब 7:510/11 मिनट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो जब हम दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करते हैं तो हम दिए गए समय को किस में से घटाते हैं, सर 12 बजे से घटा देते हैं, मतलब 11:60 में से। तो हम 11:60 में से घटा देंगे कितना, 7:510/11 मिनट को घटा देंगे, ठीक है। अब घटाएंगे तो यहां पे कितना बच गया हमारे पास, 4, और 60 - 510/11 करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 11, तो ये हो गया हमारे पास 660 - 510। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 150/11 लिख सकते हैं। तो 4:150/11 है। अब 150/11 है, इसको भी आगे और सोल्व करना पड़ेगा, और जब आगे और सोल्व करेंगे इसे हम, तो हम 150 में 11 का भाग देंगे, 11 × 11 4 × 0 = 33, पीछे बच गया 7, तो ये 7 ऊपर लिखेंगे और 11 नीचे लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 4:13 = 7/11 मिनट। तो जो हमारा आंसर आया वो आ गया 4:13 = 7/11 मिनट। लेकिन इतनी कैलकुलेशन करेंगे इतने में तो आधा एग्जाम खत्म ही हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी देखो शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि आप 3 सेकंड में ही क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, सिर्फ 3 सेकंड में। देखो कैसे, आप मेरे को बताओ, जब हम दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करते हैं तो हम कितने में से घटाते हैं, सर हम 11:60 में से घटाते हैं, 11:60 में से घटाते हैं। तो आप इसको 11:60 बना दो, आप इसको क्या बनाना है, किस संख्या को जोड़े ताकि 11:60 हो जाए, 11:60 हो जाए। देखो 7 में कितना जोड़ेंगे, सर 4 जोड़ेंगे, 7 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। अब देखो यहां पर ये 46 है, तो 46 ही 4/11 है, और यहां पे 60 मिनट है, तो जो ये वाला है ना पोर्शन, यहां पे आपने 59 मिनट मानना है, ठीक है ना, क्योंकि 1 मिनट यहां पे ले देना है, जो ये 60 है ना, इसको आप 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना, 59 + 1 कर लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 1 मिनट है वो अपने इस फ्रैक्शन से मिलेगी, ठीक है, इस फ्रैक्शन से मिलेगी। तो आप 59 में से 13, ये 46 घटाओ, 59 में से 13 घटाओ, ये 46 घटाओ तो यहां पे कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। अब हमारे पास 1 है और 1 में से 4/11 घटा देंगे हम, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 11 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/11, तो यहां पे लिख देंगे हम 7/11। अब देखो योग देखो, 7 और 4 = 11, 46 और 13 = 59, और 4/11 और 7/11 का योग करो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 4:38 ही 5/11, 4
बजकर 38 सही 5/11 को जब हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा, तो हमें जोड़ कितना बनाना है सर, 1160 बनाना है, मीन्स 59+1 करना है, ठीक है। तो आप यहां पे कितना लिखोगे सर, 7 लिखेंगे, 59 है, 59 में से 38 घटाओगे आप, ठीक है, 59 में से 38 घटाओगे तो यहां पे हमारे पास कितना बच जाएगा सर, 21 बच जाएगा। फिर 5/11 है और यहां पे 1 है, तो नीचे तो 11 रहेगा ही रहेगा, और 11 में से ये 5 घटा देंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब में देखने पे आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चन में जल प्रतिबिंब में ज्ञात करना समय बताते हैं कैसे होगा। देखो क्वेश्चन दे दिया, 9:45 सही 8/11 को आप दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो क्या समय दिखाई देगा, और जब जल प्रतिबिंब में देखोगे तो क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो पहले हम दर्पण निकालते हैं, पहले हम दर्पण निकालेंगे तो 9:45 सही 8/11 है, इसको हमें बनाना है, इसको हमें बनाना है 1160 बनाना है, मीन्स 59+1, ठीक है। तो इसमें कितना जोड़े 9 में कि 11 हो जाए सर, 2 जोड़ देंगे, 59 में से 45 घटा देंगे 14 आ गया, नीचे तो 11 रहेगा ही रहेगा, और 11 में से 8 घटा देंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:14 सही 3/11 मिनट, 11 मिनट ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हो रहा है ना, 2-3 सेकंड में प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी कम समय लगेगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं जल प्रतिबिंब में कैसे ज्ञात करेंगे। जल प्रतिबिंब में हम कोई समय निकालते हैं तो उसको हम कितने में से घटाते हैं सर, 18:30 में से घटाते हैं, लेकिन जो मिनट है, लेकिन जो मिनट है वो 18:30 से क्या है, ज्यादा है, और जब ज्यादा होती है तो उसे हम 17:90 में से घटाते हैं। तो अब आप इसको 9:45 ही 8/11 को आपने आपने 17:90 बनाना है, 17:90 को हम क्या बोलेंगे, 89+1 बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक मिनट हमें इस फ्रैक्शन से मिलेगी, एक मिनट हमें फ्रैक्शन से मिलेगी, तो 17 में क्या जोड़ूं कि 17 में से क्या घटाऊं कि 9 मिल जाए, या 9 में क्या जोड़ूं कि 17 बन जाए सर, 8, ठीक है। अब 89 में से 45 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 44, यहां पे आ गया 11 में से 8 घटा दिया तो ऊपर कितना बच गया, 3। तो जब हम 9:45 सही 8/11 को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें समय क्या दिखाई देगा, 8:44 सही 3/11 मिनट का समय दिखाई देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से समझना इसे। जैसे 3:36 सही 2/11 मिनट, तो पहले तो हम निकालते हैं दर्पण में, दर्पण में निकालेंगे तो हम 3:36 सही 2/11 का जो जोड़ है वो कितना होना चाहिए, 1160, मीन्स 59+1 होना चाहिए। ये कैलकुलेशन मैं समझा रहा हूं आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सीधा ही करोगे भी 8 और 3 11, 36 में 59 बनाने के लिए कितना जोड़ देंगे, 23 जोड़ देंगे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम 3:36 सही 2/11 को हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, 8:23 और 9/11, ठीक है, ये मिनट हो गया। उसके बाद हम जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो 3:36 सही 2/11 को जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो हम कितने में से घटाएंगे सर, हम 18:30 में से घटाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे मिनट है वो कितना है, 30 से ज्यादा है, और जब ज्यादा होगा तो उसे 17:90 में से घटा देंगे, तो यहाँ पे हमें जोड़ बनाना है 17:90, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में से 3 घटा दिए, कितने बच गए सर, 14 बच गए, ठीक है। अब 90 है, 90 को हम क्या लिखेंगे, 89+1 लिखेंगे, अब 36 घटाएंगे 89 में से, ठीक है, तो यहां पे कितना बच गया, 3 और 5, ठीक है।
और अब नीचे तो 11 बचेगा ही बचेगा, और 11 में से 2 घटा देंगे ऊपर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14 को हम क्या बोलेंगे, 2:53 सही 9/11 मिनट बोलेंगे। तो जब हम 3:36 सही 2/11 को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमारे समय क्या दिखाई देगा, 2:53 सही 9/11 मिनट दिखाई देगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब है ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो फर्स्ट बार हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए आगे वीडियो है वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं, क्वेश्चन फॉर यू है कि 6:16 सही 5/11 को आपने बताना है दर्पण और जल दोनों में क्या समय दिखाई देगा, जल और दर्पण दोनों में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसका भी रिस्पांस देना आप कमेंट के अंदर, और इस क्वेश्चन का भी आप आंसर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।